नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषाई कौशल। भाषाई कौशलों में अपनों ने कल की क्लास में श्रवण कौशल को कंप्लीट किया था। श्रवण का मतलब सुनना। अपनों ने देखा था कि भाई कुल भाषाई जो कौशल होते हैं वो चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार कौशल होते हैं और चारों के चारों क्रम से होते हैं। सबसे पहले सुनना ही कौशल होता है। और यदि अपन बालक के विकास की बात करें तो बालक में भी सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद कौन सा कौशल आता है? तो सुबोपल्ली मैंने आपको बताया था कि सुनना के बाद क्या आता है, बो यानी बोलना। तो बाद में बोलना कौशल का विकास होता है। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं सुनना के बाद बोलने वाला कौशल। बोलना कौशल या भाषण कौशल किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, इन्हीं चीजों का अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और यहां पर अपन कौशल शुरू करते हैं। कौन सा? भाषण कौशल। भाषण कौशल कह सकते हो आप, बोलना कौशल भी कह सकते हो, एक ही बात है। सबसे पहले बालक अपने जन्म के बाद सुनता है और धीरे धीरे सुनने के बाद वह बोलना शुरू कर देता है। श्रवण कौशल के बाद यदि अपन बात करें भाषण कौशल की, तो भाषण कौशल है क्या? देखिए, यदि हम अपने मानसिक भावों, अपने विचारों को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं, किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, तो वहां पर भाषण कौशल माना जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए, भावों एवं विचारों को हमारे भावों एवं विचारों को हमारे भावों एवं विचारों को वाणी के द्वारा प्रकट करना ही भाषण कौशल कहलाता है। तो किसका? हमारे मन व मस्तिष्क में जो भी भाव होते हैं, जो भी विचार होते हैं, उनका यदि अपन वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, वाणी के द्वारा दूसरे के समक्ष अपन प्रकट कर देते हैं, तो वहां पर अपन उस कौशल को क्या कहते हैं? भाषा कौशल या भाषण कौशल। देखिए, भाषा के बिना ना हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, हम अपने विचार किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि भाषा जो है, भाषा कौशल के बिना व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो भाषा कौशल के बिना व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं होता। यहां तक कि अपन ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति लिख पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, वो किस माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, किस माध्यम से समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं, किस माध्यम से समाज के समक्ष अपने विचार लेकर आ पाते हैं? वो सिर्फ बोलकर और सुनकर ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं और अपने विचारों को ये एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इस संबंध में कुछ आगे। देखिए, अपनों ने बात की अपने से बड़ों की, तो यदि अपन बात करें अपने से बड़ों की या निरक्षर लोगों की, तो निरक्षर लोग
निरक्षर लोग बोल नहीं पाते, निरक्षर लोग बिना पढ़े लिखे, निरक्षर लोग बिना पढ़े लिखे बोलकर एवं सुनकर अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात अपने सभी कार्यों का संपादन करते हैं। तो निरक्षर लोग जो है वो बिना पढ़े लिखे बोलकर एवं सुनकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात अपने सभी कार्यों का संपादन करते हैं। तो यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। देखिए, भाषा कौशल की प्राप्ति के जो प्रमुख साधन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। भाषा कौशल की प्राप्ति, या फिर अपन यूं कहें कि भाषा कौशल के विकास के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, साधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो भाषा कौशल के विकास के साधन या उपकरण, यदि अपन बात करें एक बालक की, तो बालक भाषा का कौशल का मतलब है कि हमारी ये भाषा यंत्रों की बात नहीं कर रही, मैं वाक यंत्रों की बात नहीं कर रही। वाक यंत्रों की यदि अपन बात करें तो वो तो हमें वंशानुक्रम से ही प्राप्त होते हैं, हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं, परंतु मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भाषिक विकास की या भाषा के कौशल के विकास की। तो भाषा कौशल के विकास की यदि अपन बात करें तो वो वंशानुगत नहीं होती, वो व्यक्ति ग्रहण करता है, वो अर्जित करता है। अब अर्जित किन किन माध्यमों से करता है, तो वह अर्जित दो साधनों द्वारा करता है। तो यहाँ पर अपन भाषा कौशल के विकास के दो साधन मान सकते हैं, एक तो अनुकरण मान सकते हैं और दूसरा अपन अभ्यास मान सकते हैं, अभ्यास मान सकते हैं। तो अनुकरण और अभ्यास दो साधन होते हैं जिनके माध्यम से बालक भाषाई कौशल का विकास करता है। एक बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार की भाषा क्यों बोलता है। यदि अपन एक बार एक व्यक्ति के बारे में सोचें कि भाई उसे वंशानुक्रम से ये शक्ति एवं क्षमता मिली है, यदि वंशानुक्रम से मिली है तो अपन मान सकते हैं कि भाई बालक है वो जन्म के समय ही बोले, जन्म के समय ही बोलना शुरू करे, क्योंकि वो तो भाषा बोलने की क्षमता लेकर ही पैदा हुआ है, तो वो जन्म के समय बोले। या फिर यदि शब्द ग्रहण की क्षमता की भी बात करें, तो जन्मजात की बात करें, तो बालक हो सकता है जन्म से कहीं से भी किसी भी प्रकार के शब्दों को प्राप्त कर ले। अब आप उन्होंने देखा होगा काफी जगह पर माता पिता जो है वो बिल्कुल निरक्षर है, वो आम बोलचाल की ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, आम बोलचाल की ग्रामीण भाषा बोलते हैं, जबकि संतान है वो अच्छी पढ़ लिख कर अच्छी हिंदी एवं अच्छी इंग्लिश में बात करती है। तो यदि वंशानुक्रम से ही मिला तो फिर माता पिता की ही भाषा संतान हमेशा क्यों नहीं बोलती, क्यों? कारण क्या होता है इसका? वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और अपन ये कह सकते हैं कि भाई भाषण कौशल जो है, भाषण कौशल उसका विकास बालक वातावरण में रहते हुए करता है। तो वातावरण में रहते हुए बालक भाषा कौशल का विकास करता है। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो
दो प्रकार के साधन होते हैं जिनके माध्यम से बालक वातावरण से भी ग्रहण करता है, भाषाई कौशलों का अर्जन करता है। उनमें कौन कौन से हैं? एक तो अनुकरण और एक अभ्यास। यदि अपन अनुकरण की बात करें तो बालक जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे देखता है, सुनता है, और सुनकर जिस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं उसी प्रकार के शब्द बोलने का प्रयास करता है। जैसे अपनों ने देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चे से बुलवाती है, बोल बेटा, पापा, और बच्चा है वो उसी समय तो नहीं पर थोड़े समय बाद वो ध्यान से सुन सुनकर उसका अनुकरण करते हुए बोलना शुरू भी कर देता है। उसी प्रकार से यदि अपन अभ्यास की बात करें तो शुरू में बालक बहुत ही टूटे फूटे शब्द बोलता है, बोलना होता कुछ ही है और बोलता कुछ भी है, और वो वाली कंडीशन होती है कि उसकी वह भाषा उसकी माँ के अलावा कोई समझ भी नहीं पाता। परंतु धीरे धीरे थोड़े समय के बाद और बालक में वो क्षमता आ जाती है कि वह उन सभी शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप में करने लग जाता है, स्पष्ट रूप में शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, स्पष्ट रूप में बोलने लग जाता है। वो किसके माध्यम से आता है? वो अभ्यास एवं अनुकरण के माध्यम से आता है, न कि भाषानुक्रम से। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई भाषण जो है, भाषण जन्मजात कौशल या वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। यह एक बालक वातावरण से अर्जित करता है। तो बालक क्या करता है? इसको वातावरण से अर्जित करता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। भाषा के यदि मुख्य आधार की बात करें तो देखिए, भाषा का मुख्य आधार होता है या भाषण का मुख्य आधार होता है शुद्ध उच्चारण। यदि बालक में शुद्ध उच्चारण की क्षमता है तो वह एक बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसके दो तो उपकरण है, भाषा कौशल के विकास के दो तो उपकरण कहे जा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बालक को अनुकरण वो स्वयं ही कर लेता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो ध्यान से सुने शब्दों को और फिर उनको समझे, समझते हुए बाद में प्रयोग करना सीखें। तो यदि बालक उसमें ध्यान देगा तो भी उसकी भाषा एवं भाषागत कौशल बहुत अच्छा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करते हैं तो मान लीजिए कि बालक को बार बार अपन एक शब्द का, एक वाक्य का अभ्यास करवा रहे हैं तो भी वह उस वाक्य एवं शब्द का उच्चारण करना सीख जाएगा। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई भाषण कौशल का, भाषण भाषण कौशल का प्रमुख आधार क्या होता है? शुद्ध उच्चारण होता है। तो भाषण कौशल का प्रमुख आधार क्या होता है? शुद्ध उच्चारण होता है। अब शुद्ध उच्चारण कैसे आए? बालक को शुद्ध उच्चारण करने हेतु अनुकरण एवं अभ्यास हेतु
प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि बालक अनुकरण करेगा, वो भी ध्यान देकर, वो बार बार अभ्यास करेगा, तो उसमें भाषा कौशल का विकास हो सकता है, वह बहुत अच्छी भाषा बोल सकता है। कुछ लोगों की भाषा होती है ना, इतनी सुंदर होती है कि आप जब सुनने लगते हो तो यूं लगता है कि इतनी शुद्ध भाषा आप सुनते ही जाएं। इतना मीठा बोलते हैं, इतना शुद्ध बोलते हैं कि उनको सुनने का मन हमेशा करता रहता है। तो इस प्रकार से बालक को शुद्ध उच्चारण करने हेतु अनुकरण एवं अभ्यास हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उसमें इस कौशल का विकास आसानी से किया जा सके। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बालक की भाषा का सुधार हो या वह शुद्ध उच्चारण करे, बालक की भाषा का विकास हो, तो उसके लिए एक चीज और आवश्यक है। और वो कौन सी चीज आवश्यक है? वो आवश्यक है कि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि की जानी चाहिए। बालक के पास शब्द नहीं होंगे तो वो उच्चारण कहां से करेगा? बालक की भाषा और बोलने की क्षमता का विकास तभी होता है जब उसके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हो, उसका शब्द भंडार विशाल हो। काफी बार ऐसा होता है कि एक बालक बोलना चाहता है परंतु उसके पास शब्द नहीं होते, वह किस जगह कौन सा शब्द प्रयोग करे वह निश्चित नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर वह अच्छा बोल नहीं पाता। तो इसलिए शब्द भंडार में वृद्धि की जानी चाहिए बालक के, और इसके लिए बालकों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि बालक पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़े, उसे जहां जो भी मिले उसे पढ़े और ध्यान पूर्वक पढ़े, हर एक नए शब्द पर ध्यान दे, तब जाकर बालक के भाषण कौशल का विकास होगा, वह शुद्ध उच्चारण कर पाएगा। तो इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, भाषण कौशल को पढ़ाने का या भाषण कौशल के विकास का प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का? तो यदि अपन इस विषय पर बात करें, भाषा कौशल विकास के प्रयोजन या उद्देश्य, यदि प्रयोजन या उद्देश्य की अपन बात करें, तो सबसे पहला तो भाई उच्चारण सुधारना, उच्चारण स्पष्ट एवं शुद्ध होना। तो अपन यूं कह सकते हैं, विकास, भाषा कौशल विकास के प्रयोजन या उद्देश्य। सबसे पहली बात तो बालक का उच्चारण दोष रहित करवाना, एक तो इसका ये उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। दूसरा, बालक के स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण हेतु, यदि अपन बात करें भाषाई कौशलों के विकास के या भाषा कौशल के विकास के प्रयोजन एवं उद्देश्य की, तो बालक का उच्चारण एक तो दोष रहित करने के लिए अपन भाषा कौशल का विकास करते हैं, बालक को बार बार अभ्यास करते हैं ताकि उसका जो भी उच्चारण है वो दोष रहित हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी न हो। इसके साथ साथ अपन चाहते हैं कि वो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करें, तो इसके लिए भी अपन भाषा कौशल का विकास चाहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
भाषा कौशल का विकास एक विकास का उद्देश्य एक मनोरंजन भी होता है। बालक का मनोरंजन करना, कैसे? बालक को यूं कहा जाता है ना, ऐसे नहीं ऐसे बोला जाएगा तो वो रुचि लेगा, वो ध्यान से सुनेगा जरूर, वो जो बोलने का प्रयास नहीं करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने का प्रयास नहीं करते फिर भी वो ध्यान से सुनते हैं, वो रुचि लेते हैं, वो हंसते हैं, यानी मनोरंजन के रूप में जरूर उनको ले लेते हैं। इसके साथ साथ यदि अपन और अधिक बात करें इस बारे में तो देखिए, इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि इस कौशल का विकास करने का उद्देश्य है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। इसके साथ साथ अपन एक बात और समझ सकते हैं कि यदि एक बालक में भाषा के प्रति जागरूकता हो और सुंदर भाषा को समझने जानने की इच्छा हो, उत्साह हो, तो वहां पर एक ही भाषा भाषी के लोगों में एकता की भावना भी आती है। आपने देखा होगा कि जो दो हिंदी बोलने वाले हैं वो आपस में एक साथ रहने, एक साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनमें एकता का, अपनत्व का भाव अधिक रहेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आप पंजाबी हो तो दूसरे पंजाबी जैसे ही दिखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, आप उनसे मिलना चाहोगे, आप उनसे बात करना चाहोगे। तो उसी प्रकार से है कि भाषागत कौशल के विकास का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इसके माध्यम से बालकों में या व्यक्तियों में एकता का भाव भी आता है। तो अपन कह सकते हैं कि बालक में एकता का भाव लाने हेतु या एकता का भाव विकास करने हेतु भी भाषण कौशल का विकास आवश्यक है। तो ये थे भाषा कौशल के विकास के प्रयोजन। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई भाषागत कौशल का विकास अगर अपन करते हैं तो बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, क्यों होता है व्यक्तित्व का विकास? क्योंकि वह खुलकर बोलता है, वह खुलकर बोलता है, खुलकर सुनता है, खुलकर चीजों को ग्रहण करता है, तो उसके उसके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होता है, अपन यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की संस्कृति का विकास इसके द्वारा संभव है। संस्कृति का विकास भी संभव है, कैसे? अब मान लीजिए कि एक बालक अपनी भाषा का प्रयोग करता है, वह किसी और संस्कृति में गया है, तो वहां पर उसे किस भाषा का सुंदर प्रकटीकरण आता है, किस भाषा से संबंधित अधिक ज्ञान है उसे, उन सभी चीजों के माध्यम से वह अपनी संस्कृति को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। अपनी भाषा, अपने शब्दों, अपने परिवार, अपने रहन सहन, खान पान इत्यादि को उनके समक्ष प्रकट कर सकता है। तो इसलिए, और आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ है और विदेश गया हुआ है और काफी समय बाद वह अपने देश के किसी व्यक्ति को सुनता है या फिर उसकी भाषा को सुनता है तो वो ध्यान देता है, अरे ये तो मेरे देश की भाषा है, ये तो मेरा भाई है। तो यहां पर इस प्रकार की भावना का विकास भी बालक में हो सकता है। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अन्य तत्वों की। देखिए, यदि अपन बात करें कि भाई भाषा कौशल के विकास का प्रयोजन तो देख लिया, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों अपन भाषाई कौशल का विकास करें? वैसे देखें तो अपनों ने अब ये जो प्रयोजन लिए हैं, जो उद्देश्य हैं, वो आवश्यकता में ही शामिल किए जाएंगे, फिर भी अपन भाषण कौशल के विकास की कुछ आवश्यकताएं भी होती है जिनको भी अपन देख सकते हैं। भाषण कौशल विकास की आवश्यकताएं,
भाषण कौशल के विकास की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले तो विचार अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे पास यदि भाषण कौशल नहीं है, भाषा कौशल नहीं है, तो हम अपने भावों को ही प्रकट नहीं कर पाएंगे, हम अपने विचारों को ही प्रकट नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य के पास ये जो वाग यंत्र है या जो वाणी की शक्ति है, वो एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसी शक्ति है जो उसे पशु से अलग बनाती है। वाणी विहीन मनुष्य पशु के समान है, तो वाणी हमें पशुओं से अलग बनाती है। तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं वाणी के माध्यम से। तो अपन इसकी आवश्यकता, पहली आवश्यकता तो यही कह सकते हैं कि व्यक्ति के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। तो भाषाई कौशल का विकास आवश्यक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपने भाव एवं अपने विचारों की अभिव्यक्ति देनी होती है। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी थी, हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी, हमारा प्राचीन भारतीय विद्या का स्वरूप कैसा था, तो हमें उसके लिए भाषा कौशल का विकास करना होगा। यदि हमारे अंदर भाषा का कौशल विकसित है, तभी अपन इस स्वरूप को जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को बातें पता चलती है ना, कि उस समय ये होता था, उस समय ये होता था। तो भाषाई कौशल के द्वारा ही अपन यूं कह सकते हैं कि भाषा कौशल के विकास से ही हम प्राचीन भारतीय विद्या के स्वरूप को समझ पाते हैं। तो भाषा कौशल के विकास से ही हम प्राचीन भारतीय विद्या के स्वरूप को समझ पाते हैं। तो हम प्राचीन भारतीय विद्या कौशल के स्वरूप को समझ पाते हैं, इसके लिए भी हमारे भाषाई कौशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, यहां पर अपन देख सकते हैं आगे सम्यक उच्चारण सामर्थ्य संपादन के लिए क्या चीज है ये? सम्यक का मतलब होता है सभी तरीके से, सभी प्रकार से, सभी तरह से। उच्चारण हो गया, सामर्थ्य हो गया अपनी अपनी शक्ति या अपनी योग्यता संपादन के लिए। देखिए, सभी प्रकार के सामर्थ्य का या सभी प्रकार की सामर्थ्य, कौन सी सामर्थ्य? उच्चारण संबंधी। उसका यदि अपने को संपादन करना है, उसकी यदि अपने को अभिव्यक्ति देनी है, यानी सभी तरह के उच्चारण से संबंधित हमारी योग्यता को यदि हम प्रकट करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वहां पर हम किस कौशल का विकास चाहेंगे? भाषा कौशल का विकास चाहेंगे। भाषा या भाषण कौशल के विकास से ही यह संभव हो पाएगा कि हम अपने उच्चारण संबंधी योग्यता को प्रकट कर सकें। इसके साथ साथ इसकी एक आवश्यकता ये भी है, सभी प्रकार की सभाओं में सक्रिय
भागीदारी हेतु। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसीलिए किसी सभा या सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि वहां पर उनको बोलना पड़ता है, और जहां पर बोलना पड़ता है वहां पर उनकी क्षमता जो है वो उसके अनुसार नहीं हो पाती। और यदि आप में ऐसी क्षमता है कि आप बोल सकते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, यदि आप में ऐसी क्षमता है तो आप सभी प्रकार की सभाओं, सभी प्रकार के सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी देंगे, सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी जो उच्चारण संबंधी योग्यता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी ये भाषण कौशल का विकास है वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि अपन सभी प्रकार की सभाओं में, सभी प्रकार की जो सभाएं हैं उनमें भी सक्रिय भागीदारी के लिए भी भाषाई कौशल का विकास अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको कह दिया जाए कि भाई वहां पर जाकर आपको आगे बोलना है तो आप वहां पर तभी जाएंगे जब आप में भाषाई कौशल का विकास हो चुका है, या आपके पास बहुत अच्छे शब्द हैं, आपके पास विशाल शब्द भंडार है, आप बोलना अच्छे से जानते हैं, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए यहां पर अपन ये आवश्यकता भी मान सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए ये थी आवश्यकताएं, और इसके साथ साथ जो प्रयोजन अपनों ने लिए थे वो सभी के सभी इसकी आवश्यकताओं में शामिल किए जा सकते हैं। अपन बात करते हैं कि भाई शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, क्या शिक्षक की कोई भूमिका है भाषाई कौशल के विकास में। यदि आपके ध्यान में कुछ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, मुझे भी पता चले कि हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नई चीजें भी मिल जाए आपके मस्तिष्क में, कुछ नया चल रहा हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाषाई कौशल के विकास में शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है, या शिक्षक किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं इसी को। भाषाई कौशल के विकास में शिक्षक का कर्तव्य, भाषा कौशल के विकास में एक शिक्षक की क्या कर्तव्य है, कौन सी ड्यूटीज है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसमें भय होता है, उसमें संकोच होती है, संकोच होता है, उसमें झिझक होती है, उसको शिक्षक को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और वो भी धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि बालक को डराया जाए जिससे बालक में और अधिक संकोच, और अधिक झिझक, और अधिक भय पैदा हो जाए। तो इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश लेता है, विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब क्या होता है, तब उसमें भय, संकोच तथा झिझक रहती है। अब झिझक भी किस से संबंधित रहती है भाई, सबसे ज्यादा बोलने से संबंधित रहती है। अक्सर बालक है वो अपनी कक्षाओं में जाकर बैठ जाते हैं परंतु उसमें है वो झिझक, बोलने से संबंधित झिझक हमेशा ही रहती है, सब में रहती है लगभग। तो इस चीज को आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को बालक
कि इन संवेगों बालक के इन संवेगों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए। कौन से संवेगों को दूर करने के लिए? नकारात्मक जो संवेग है ना, भय, संकोच, झिझक, इन संवेगों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए, यानी व्यक्तिगत रूप से बालकों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। इसके बाद अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई जो शिक्षक है वो बाल गीत का आयोजन करें, बाल गीत, अभिनय गीत का आयोजन करें, अभिनय गीत का आयोजन करवाए, शिशु गीत जो होते हैं उनका आयोजन करवाए, और उनके गीतों का आयोजन करवाते हुए और वह कोशिश करें कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़कर भाग ले। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद अपन क्या सोच सकते हैं, देखिए साथ ही शिक्षक इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करें, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। और साथ साथ जब बालक छोटा होता है, शुरू शुरू में स्कूल में आता है, तब उसमें झिझक होती है, तो वह कोशिश करे कि उनको समूह में बांट दे, और उनको समूह में बांटते हुए और उनसे जो भी है गीत गाने के लिए कहें, कविता सुनाने के लिए कहें। सामान्य तौर पर सामूहिक तो गीत ही गाए जाते हैं, तो एक शिक्षक को बच्चों से गीत गाने के लिए कहना चाहिए, और वो भी कैसे, समूहों में बांटकर। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन आगे भी इस संबंध में जो भी देख सकते हैं वो देख लेते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाए तथा उन्हें आगे आने हेतु प्रेरित करें। शिक्षक बालकों से सामूहिक गीत गाने हेतु कह सकता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक गीत गाने हेतु कह सकता है, और जब सामूहिक गीत बालक गाते हैं तो उनमें थोड़ा सा यूं है कि झिझक भी दूर होती है, भय भी दूर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और यहाँ पर अपनों ने भाषाई कौशलों के विकास में अपनों ने क्या चीज देखी, भाषाई कौशलों के विकास में भी अपनों ने यहाँ पर जो भाषण कौशल है उसको देखा, और उसमें भी अपनों ने अर्थ देखा, परिभाषा देखी, और
अर्थ परिभाषा के साथ साथ अपनों ने उसके उद्देश्य एवं आवश्यकताएं देखी। अनेक प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं भाषाई कौशल के, अनेक आवश्यकताएं हो सकती है, साथ साथ शिक्षक भी इसमें एक महती भूमिका निभाकर अपना योगदान दे सकता है। तो आज की क्लास में अपनों ने भाषण कौशल से संबंधित बहुत से पक्षों को देखा, परंतु और भी देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।